नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को। इसमें क्रस्ट, मेंटल, एस्थेनोस्फीयर, इनर एंड आउटर कोर, मोहरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या क्या है, ये सब मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, हालांकि बहुत डीप नहीं जाएंगे, बहुत डीप मैं स्पेसिफिकली टॉपिक्स को उठा के आपको पढ़ाऊंगा। काम भर की चीज़ें इनसे रिलेटेड मैं सब यहाँ पर बता दूंगा फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। क्रस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्रस्ट क्या है, ठीक है। अभी देखिए, अगर फिगर की बात होगी तो फिगर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। यानी ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे तो ये जो छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। अब ये किसी और फिगर में आप समझने की कोशिश करें अगर, तो अगर आप इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये क्रस्ट क्या ये दिखा रखा है इन्होंने, कितना दिखा रखा है, ये जो ब्राउन रंग की जो स्ट्रिप है ना, ये वाली, ये यहाँ पे इस तरीके से चलती चली जा रही है, ठीक है। ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। और पूरा सब कुछ यहाँ दिखा रखा है, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, क्रस्ट ये छोटा सा दिखा रखा है जो इस एरो के थ्रू भी डोनेट किया गया है, ठीक है। तो ये क्रस्ट है आपका फ्रेंड्स। तो क्रस्ट के बारे में हम लोग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो क्रस्ट एक आउटर थिन लेयर है जिसकी टोटल थिकनेस 30 से 50 किलोमीटर वेरी करती है, और इसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंटल एरियाज में अलग होती है, ओशनिक एरियाज में अलग होती है, और ये बहुत नॉर्मल है। ओशंस में आप देखते हो फ्रेंड्स, नॉर्मली पानी है, क्रस्ट बहुत नीचे जाके मिलता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ कॉन्टिनेंट से केवल लैंड है, पानी है नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी जहाँ पे ओशन नहीं है, केवल लैंड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जहाँ पे लैंड है, तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है केवल जमीन है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी होगी। जहाँ पे ओशंस हैं वहाँ पे ओशन के नीचे जमीन आती है, तो ओशन की जो नीचे वाली जमीन होती है उसको ओशनिक क्रस्ट होते हैं, वो ऑब्वियसली पतली होगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ओशनिक क्रस्ट भले ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली हो, छोटी हो, लेकिन उससे ज़्यादा भारी होती है, उससे ज़्यादा डेंस होती है। तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर होती है, 5 से 30 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 50 से 70 किलोमीटर मोटी होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट माउंटेन सिस्टम्स में ज़्यादा मोटी हो जाती है, चूंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, तो जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 से 100 किलोमीटर तक भी थिक हो सकती है। और अगर आप क्रस्ट एज अ होल की बात करेंगे तो एज अ होल क्रस्ट फॉर्म्स अराउंड 0.5 to 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी पूरे अर्थ के वॉल्यूम को अगर आप पकड़ोगे तो क्रस्ट लगभग 0.5 से 1% फॉर्म करता है, जिसमें ओशनिक क्रस्ट पतली होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी मोटी होती है, खासकर माउंटेनियस रीजन्स में। अब आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा ओशन दिख रहा है आपको, तो इस ओशन के नीचे जो जमीन है वो ओशनिक क्रस्ट है, ये आपको लैंड दिख रहा है, तो उस लैंड में एक वॉल्केनिक आग भी दिखा रखा है, इधर नॉर्मल लैंड दिखा रखा है, तो इसके नीचे जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो ये जो वॉल्केनोज निकलते हैं ना, वॉल्केनिक आर्क, तो ये वॉल्केनोज आप देखिए यहाँ पे कि इसको तोड़ते हुए ऊपर जब बाहर लावा आता है तो उसको हम वॉल्केनिक अरप्शन बोलते हैं, और ये आपका फ्रेंड्स यहाँ कॉन्टिनेंट पे पास में ही होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी हो गई, ओशनिक क्रस्ट पतली हो गई, और इस क्रस्ट के नीचे एक छोटा सा पार्ट जिसको अपर मेंटल बोलते हैं वो आता है, तो जब आप अपर मेंटल को क्रस्ट के साथ मिला दोगे तो वो बन जाएगा लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे फ्रेंड्स। और अपर मेंटल के नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर, और उसके नीचे आता है लोअर मेंटल ऑफ द अर्थ, ये सब हम देखेंगे। फिर मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी, उसको एंड में ही बताऊंगा आपको। मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। थोड़ा बहुत हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बारे में भी। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कंपोजिशन आपसे पूछा जाए और ओशनिक क्रस्ट का कंपोजिशन पूछा जाए, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो लाइटर सिलिकेट से बनी होती है, ओशनिक क्रस्ट हैवियर सिलिकेट से बनी होती है। तो लाइटर दोनों में सिलिका कॉमन होता है, चूंकि सिलिकेट से तो ऑब्वियसली बात है सिलिका कॉमन होगा, और आगे मैं बताऊंगा सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। वो थोड़ा हम आगे जाके देखेंगे फ्रेंड्स, वो कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट में बताऊंगा, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एज अ होल में भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सियाल और सीमा दो चीज़ याद रखिए, ये रहा सियाल, ये रहा सीमा। जब भी सियाल आ जाए आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब भी सीमा आ जाए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ओशनिक क्रस्ट बनी होती है सिलिकॉन,
सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट डेंसर होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट ओशंस के बॉटम में मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे मिलती है, ठीक है। हार्डर होती है, गहरी होती है, डेंसर रॉक्स होते हैं इसमें बसाल्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट टाइप्स रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भले थिक होती है लेकिन डेंस कौन सी है आपकी? ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि ये बसाल्ट साल्ट और बाकी डेंसर रॉक से बनी हुई है। और यही रीज़न है फ्रेंड्स कि आज तक कभी भी लैंड मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। देखिए, जब भी एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट टकराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, इस डायग्राम के थ्रू। ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रेंड्स ये जो ओशनिक क्रस्ट है ना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है वो आपका ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा हार्ड है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इससे कम डेंस है। तो भारी ज़्यादा कौन सा हो गया? ओशनिक क्रस्ट। और जो भारी होता है वो नीचे जाता है। इसलिए जब भी आपका ओशनिक प्लेट का और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में जब टकराती है ना, तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, क्योंकि ओशनिक प्लेट ज़्यादा भारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, इसलिए वो डेंस होती है। डेंस के लिए वो सबसाइड कर जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। और इस यही रीज़न है फ्रेंड्स कि आज तक हमारे इस ग्लोब पे सिर्फ पानी नहीं है, लैंड भी है। आप सपोज करिए कि अगर लैंड वाला क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अगर वो ज़्यादा हैवी होता, ज़्यादा डेंसर होता, तो वो ओशनिक क्रस्ट के नीचे चला जाता और आज आपको पूरे विश्व में सिर्फ पानी ही पानी मिलता, ज़मीन मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट भारी है, इसीलिए वो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे दब जाती है और नीचे चली जाती है। यहाँ पे देखिए, और जब ये नीचे चली जाती है तो जहाँ पे कमज़ोर इलाके होते हैं वहाँ पे ज़मीन तोड़ के लावा मैग्मा आपका मेंटल के अपर पार्ट से होता हुआ ऊपर निकलता है, जिसको वॉल्केनिक अरप्शन बोलते हैं। तो ओशनिक क्रस्ट के भारी और डेंसर होने से क्या फ़र्क पड़ा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हल्के होने से क्या फ़र्क पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको समझ में आ गया, और क्रस्ट का थिकनेस आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंटल की, और मेंटल को बताने के बाद फिर मैं आपको फिगर पे जाऊंगा। देखिए, ये मेंटल, मेंटल की थिकनेस लगभग 2900 किलोमीटर तक जाती है नीचे, ठीक है। मेंटल ज़्यादातर सेमी मोल्टन रॉक से बना हुआ, जिसको मैग्मा भी बोला जाता है। ये रॉक जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है वो हार्ड है, सॉलिड है। उसके नीचे आप जाओगे तो एस्थेनोस्फियर आ जाएगा, और उसके नीचे जाओगे तो आप लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल आ जाएगा। मेंटल थिकेस्ट लेयर है, और अर्थ का 84% वॉल्यूम मेंटल का होता है, यानी 84% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑफ मेंटल। अब देखिए, हम लोग मेंटल तक यार डायरेक्टली नहीं पहुंचे हैं। हम लोग जो कुछ भी मेंटल के बारे में जानते हैं, वी नो वेरी इनडायरेक्टली अबाउट इट, वी डोंट हैव अ वेरी डायरेक्ट नॉलेज ऑफ मेंटल। उसका रीजन ये है कि हमने कभी इतना अंदर खोद के देख नहीं पाए फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है कि अब आप समझ सकते हो कि जो हमारी क्रस्ट है वही आप कह सकते हो कि 30 से 50 किलोमीटर थिक है, बहुत ज़्यादा हो गई तो 100 किलोमीटर थिक हो गई जहाँ पे माउंटेन्स हो गए। तो अब आप सोचिए 50 किलोमीटर कहाँ खोद पाओगे आप यार, और 50 किलोमीटर खोद भी जाओगे तो फिर आप कहाँ तक पहुँचोगे, अपर पार्ट ऑफ मेंटल तक पहुँचोगे। मेंटल तो अंदर 2900 किलोमीटर तक गया, वो तो कहाँ तक खोदोगे आप चीज़ों को, आप कितना, जो डीप ड्रिलिंग भी की गई है वो 12 किलोमीटर तक की गई है ज़्यादा से ज़्यादा, जो डीप ड्रिल्स हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं हुई है। तो जो कुछ भी हमारे पास मेंटल के बारे में जानकारी है वो सीज्मोलॉजिकल स्टडीज से हमको मिला है, हमने डायरेक्टली उसको खोद के ड्रिल करके अंदर जाके नहीं देखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेंटल में बहुत हॉट और डेंस रॉक्स होती हैं, ऑब्वियसली होंगी। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक जा रहा है तो वहां तो बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि रॉक्स भी पिघल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो लेयर होती है ना रॉक की, वो एस्फॉल्ट की तरह बहती है। एस्फॉल्ट बहुत तेज़ी से बहता है, तो वो एस्फॉल्ट की तरह बहती है, बहुत ही ज़्यादा मोल्टन प्लास्टिक टाइप की हो जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मेंटल की लोअर मोस्ट जगह को देखेंगे तो वो बहुत गर्म है, और थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो कंपेरेटिवली वो कम गर्म है। देखिए, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल सीधे क्रस्ट के नीचे आता है, वहाँ गर्मी थोड़ी कम है, लेकिन आप 2900 किलोमीटर नीचे चले जाओगे अर्थ सर्फेस से तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए जो फ्लो है प्लास्टिक की तरह मेंटल का, ये इसी वजह से है, क्योंकि मेंटल के लोअर पार्ट और अपर पार्ट में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, वो सब मेंटल की वजह से हैं।
मेंटल में जो मूवमेंट हो रहा है, जो मैग्मा कन्वेक्शनल सेल बना के ऊपर आ रहा है, क्रस्ट को तोड़ दे रहा है, और जहाँ पे कन्वेक्शनल सेल बना के नीचे जा रहा है वहाँ पे ट्रेंचेस बन रही हैं, आपकी जो सी जो सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो रही है इन ट्रेंचेस में, तो जो सब कुछ हो रहा है वो मैग्मा की वजह से हो रहा है, उसके कन्वेक्शनल फ्लो की वजह से हो रहा है, और ये कन्वेक्शनल फ्लो कहाँ हो रहा है, ये मेंटल में हो रहा है। तो पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स का जो रीज़न है वो मेंटल में लाई करता है, ठीक है। टेम्परेचर वेरी करता है 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट से 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, समझ सकते हैं कितना गर्म है फ्रेंड्स। और क्रस्ट को और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, लिथोस्फीयर बन जाता है। इस लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो 10 से 200 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा फिगर देखते हैं, फिगर से हल्का फुल्का आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्रस्ट ये ऊपर का रहा हिस्सा, ये यहाँ माउंटेनियस है, और ओशन बेड के नीचे ये जो ब्राउन रंग का हिस्सा है ये हो गया आपका क्रस्ट। उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा चले जाओगे तो ये जो हिस्सा है आपका, ये तो हो गया एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर से थोड़ा ऊपर ये जो हिस्सा है ये हो गया आपका अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। तो सबसे ऊपर आया क्रस्ट, फिर उसके नीचे आया ये अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, और ये फिर पूरा लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल हो जाएगा। तो बीच में आया एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या हो गया अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। तो जब आप इस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल और क्रस्ट को मिला दोगे तो आपको बन जाएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता ही है फ्रेंड्स क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है। तो मेंटल भी कुछ इस एरिया में बटा हुआ है, सबसे ऊपर का मेंटल, फिर बीच में आपका एस्थेनोस्फीयर, और फिर नीचे लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है। तो ऊपर का अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को जब आप क्रस्ट से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, लिथोस्फीयर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर भी इस चीज को देख लेते हैं, इस चीज से आपको थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या हो गया, ऊपर का क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्रेंड्स नीचे का। अब आप समझिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, और ये वाला जो पोर्शन है ये एस्थेनोस्फीयर, और नीचे आप चले जाओगे तो लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल हो जाएगा। तो इस आपका अपर पार्ट ऑफ द मेंटल और क्रस्ट को जब आप मिला दोगे तो बन जाएगा लिथोस्फीयर। तो ये क्रस्ट, और उसके अलावा फिर से मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, ये ऊपर का जो क्रस्ट है और उसके नीचे जो अपर पार्ट ऑफ द मेंटल है, इसको आप मिला दोगे तो लिथोस्फीयर बन जाएगा। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर में नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा, और लिथोस्फीयर के नीचे आ जाएगा आपका एस्थेनोस्फीयर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर एस्थेनोस्फीयर के नीचे हम चलते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लोअर मेंटल आ जाएगा। यह मैं आपको बता चुका हूँ, वो सॉलिड स्टेट में होता है, बहुत नीचे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगता है हाई टेम्परेचर की वजह से। अगर ओवरऑल मेंटल की आप डेंसिटी देखेंगे तो 2.9 से 3.3 होती है, लोअर पार्ट में 3.3 से 5.7 हो जाती है। जो एस्थेनोस्फीयर है उसको हाईली विस्कस बोलते हैं, मैकेनिकल वीक होता है, डिफॉर्मिंग रीजन होता है, प्लास्टिक की तरह काम करता है, कहीं कहीं लिक्विड की तरह भी काम करता है। लिथोस्फीयर के नीचे आता है और उसकी जो डेप्थ है वो 80 से 200 किलोमीटर तक वेरी करती है एस्थेनोस्फीयर की, ठीक है। अब देखा जाए फ्रेंड्स कि एस्थेनोस्फीयर ही उस मैग्मा का सोर्स है जो तोड़ के ऊपर आता है वॉल्केनिक एरप्शंस में, ठीक है। फ्रेंड्स क्या होता है वॉल्केनिक एरप्शन में, देखिए जब आपने रिंग्स ऑफ फायर देखी होगी तो रिंग्स ऑफ फायर मेनली बनती कहाँ है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराती हैं, तो मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम डेंस है, ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा भारी है, डेंस है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट कर जाएगी, तो वो जो एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो कभी कभी एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा होता है वो ऊपर की लेयर्स को तोड़ता हुआ ज़मीन से बाहर निकलता है, और उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। तो वो जो मैग्मा आता है ना वो इसी एस्थेनोस्फीयर से निकल के आता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम कोर, इनर और आउटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में देखेंगे इसका क्या है, यहाँ पे बस काम भर की चीज़ें देख लेते हैं। ये 2900 से 6400 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस होता है, 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बनाता है, ज़्यादातर 83 से 84% कौन बनाता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात आपका मेंटल बनाता है, ठीक है। और उसके ऊपर का जो 0.5 से 1% है वो आपका क्रस्ट बनाता है, 16% लगभग इनर और आउटर कोर दोनों मिलकर बनाता है। तो इस कोर में हैवीएस्ट मिनरल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, मेनली निकल और आयरन पाए जाते हैं। आउटर कोर लिक्विड का है और इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर की बात करेंगे तो ये सेंटर हो जाता है हमारे पूरे अर्थ का, हॉटेस्ट लेयर है ये अर्थ की। इनर कोर सॉलिड है, आयरन और निकल से मिलके बना हुआ है, टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी है कि इसको अर्थ का इंजन रूम भी बोलते हैं। अगर आउटर कोर की बात करें तो वो
भी हॉट बॉल ऑफ मेटल्स के बराबर है, लगभग 4000 डिग्री से 9000 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है, और मेटल्स यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। जो आउटर कोर है वो हमारे क्रस्ट से 1800 मील नीचे है, लगभग 1400 मील थिक है, ठीक है, निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है और इनर कोर को चारों तरफ से सराउंड करता है। तो ये आउटर और इनर कोर हो गया फ्रेंड्स। काम भर की चीज़ें ही बताइए कि आउटर इनर कोर क्या है, ठीक है, अब इसकी क्या मतलब टेम्परेचर का क्या सीन है, किस किस चीज़ से मिलकर बना है, कितनी डेप्थ में मिलता है, टेम्परेचर्स क्या क्या है। अब मोहरविक और गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी भी देख लेते हैं। मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी, जिसको मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं, ये वो बाउंड्री है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में आती है। यहाँ पे देखिए जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको इस फिगर में, रेड लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही है। तो जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली लाइन है उसको मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होगा कि क्रस्ट को एस्थेनोस्फीयर से अलग करने वाली लाइन, तो बस याद रखिएगा क्रस्ट को जो मेंटल से अलग कर रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या हो गई, मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी हो गई। गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, जो मेंटल और कोर के बीच में बाउंड्री है, तो ये वाली बाउंड्री, ये कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी फ्रेंड्स, ये गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी हो गई। ये लगभग 2800 से 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस मिलती है। तो दो डिस्कॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी और मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी याद रखिएगा। तो काम भर की चीज़ें जो भी थी मैंने आपको इसमें बता दी फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी।